बात करते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग प्रारूप कि हम भूमि का उपयोग कैसे कैसे करते हैं, तो पहला आता है इसमें कि भारत में भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। और हमारे जो प्रभावित करने वाले कारक दो तरह के होते हैं, एक आपके फिजिकल फैक्टर होते हैं और एक आपके मानवीय कारक होते हैं, आपके भौतिक कारक। भौतिक कारक जैसे सबसे पहले हैं स्थलाकृति, टोपोग्राफी, मुझे बताइएगा स्थलाकृति पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, कृषि आपका पठारी क्षेत्र है, कृषि कार्य कहाँ अधिक आपका आसानी से किया जा सकता है, मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है। तो स्थलाकृति है वो कृषि कार्य को या अगर भूमि के उपयोग को प्रभावित करता है, पर्वतीय वाले भागों में भूमि का उपयोग अलग तरीके से किया जाएगा और मैदानी भागों में अलग तरीके से और आपके पठारी क्षेत्रों में अलग तरीके से किया जाएगा। दूसरा है जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु अर्थात जलवायु भी है भूमि उपयोग के प्रतिरूप को प्रभावित करती है, जैसे कि बर्फाच्छादित क्षेत्र है वहां भूमि का उपयोग है, बताइए कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह का अगला आपका जो आता है इसमें मृदा, मृदा की उपजाऊपन या उर्वरता आपका, या मृदा का प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल। देखिए हर फसल के लिए अलग अलग मिट्टी है वो आपकी आवश्यक होती है, अर्थात वो फसल है जैसे कि काली मिट्टी में है कपास का उत्पादन अधिक किया जाता है, जलोढ़ एलुवियल सॉइल है उसमें आपकी चावल है या आपका गन्ना है उसका उत्पादन अधिक किया जाता है, अर्थात मृदा का प्रकार भी भूमि के उपयोग को प्रभावित करता है। लेटराइट मिट्टी है जिसमें काजू और चाय की खेती ही आपकी की जा सकती है। नेक्स्ट आता है मानवीय कारक। अब मानवीय कारक में क्या आता है, सबसे पहले जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होगा वहां छोटे भूभाग को भी, सीमांत भूभाग पर भी कृषि कार्य किया जा सकता है, और जहां जनसंख्या घनत्व है कम होगा वहां पर खेतों का आकार है वो कैसा पाया जाएगा, वो आपका विस्तृत पाया जाएगा, अर्थात जनसंख्या घनत्व भी है हमारा प्रभावित करता है। दूसरा है तकनीकी क्षमता, टेक्नोलॉजी का जो आपका टेक्नोलॉजी कैपेसिटी है वो भी आपकी प्रभावित करती है कि यदि हमारे पास विकसित तकनीक है तो आप जो बंजर भूभाग है उसको भी उपयोग के लिए है आपका उपयोगी बना लेते हैं, जैसे कि नीदरलैंड ने है पोल्डर भूमि, समुद्र के सुखा करके भूमि को है पोल्डर भूमि के रूप में है वो आपकी बनाई, या जापान है पूरा पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर चावल का भी उत्पादन किया जाता है, वो किस कारण से किया गया है, तकनीकी क्षमता के कारण है। तीसरा जो आपका है आता है आपका संस्कृति और रीति रिवाज, संस्कृति और कल्चर और ट्रेडिशन वो भी हमारे भूमि के उपयोग को या प्रारूप को है वो प्रभावित करता है। दूसरा आता है कि भारत में जो कुल भूभाग है, हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा कितना एरिया है, हमारा लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, उसके 93% भाग के ही आंकड़े उपलब्ध होते हैं। कारण क्या है, उसका कारण है कि हमारा आपका J&K वाला काफी हिस्सा जो POK है पाकिस्तान के पास है, और
अक्साई चीन चीन के पास है, उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। उधर पूर्वोत्तर भारत में है, कुछ हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। और हमारे पास आंकड़े उपलब्ध होते हैं कितने भाग के आपके, 93% भाग। दूसरी चीज आती है भूमि उपयोग, लैंड यूज, जहां पर सिंचाई सुविधा अधिक है, जहां पर मशीनों का विकास अधिक है, वहां पर कृषि कार्य है वो आपका अधिक किया जाता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा में 80% भाग पर कृषि कार्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 10% से भी कम भूभाग पर कृषि कार्य है वो किया जाता है, अर्थात इसमें क्षेत्रीय भिन्नता है वो आपका पाया जाता है। नेक्स्ट आता है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण, लैंड डिग्रेडेशन क्या है, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी हो जाना ही क्या है आपका, लैंड डिग्रेडेशन है, भूमि निम्नीकरण है। अब कई कारणों से होता है, पहला प्राकृतिक कारण भी है और मानवीय कारण भी है। प्राकृतिक कारणों में कौन सा है आपका, कि कहीं पर मान लीजिए बाढ़ है, तूफान है, वहाँ अधिक आते हैं, उस बार सूखा पड़ता है, वो आपका भूमि निम्नीकरण भी वहाँ पर अधिक होता है, ज्वालामुखी क्रिया हो जाती है। ऐसा नहीं कुछ ज्वालामुखी क्रिया से है उपजाऊ मृदा का भी विकास हो जाता है, लेकिन आपका अधिक नुकसान है वो आपका अधिक होता है, भूकंपीय घटना है। मानवीय कारण, मानवीय कारण अधिक उत्तरदायी है, जिसमें सबसे पहला है वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, सबसे ज्यादा वनों की कटाई, और जब वनों की कटाई की गई तो उससे हमारा भूभाग प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होता है, और जब प्राकृतिक असंतुलन होगा तो भूमि निम्नीकरण भी क्या होगा आपका, अधिक होगा। नेक्स्ट कारण है आपका खनन, जो खनन किया जाता है कई जगह पर खुली खनन आपकी खाने छोड़ दी जाती हैं, और जिससे निकला हुआ अवशिष्ट है उस भूभाग पर जमा हो जाता है, और जिससे वो भूभाग है अनुपजाऊ हो जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है आपका, झारखंड है, ऐसे राज्य। नेक्स्ट है अति पशुचारण, ओवर ग्रेजिंग जहां अधिक की जाती है वो भी हमारा भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है अति सिंचाई, जैसे पंजाब और हरियाणा में जहां अधिक सिंचाई की जाती है वहां लवणीयता और क्षारीयता की समस्या भी क्या हुई है आपकी, अधिक हुई है। नेक्स्ट है आपका गैर तरीके से कृषि कार्य। एक और चीज बताते हैं कि हमारे यहां भूमि निम्नीकरण, हम प्राकृतिक कारणों के रूप में जैसे बता रहे थे आपका, कि हमारे यहां 56% भूभाग है वो जल से निम्नीकृत है, जो कि 13 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र है, कुल उस कुल में से 56% कैसे है जल से है, 28% है वनों से निम्नीकृत है, 10% आपका
वायु से है, हवा से है आपका, और 6% लवणीय वे क्षारीय। अगला आता है कि भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। अर्थात भूमि निम्नीकरण का संरक्षण, जो निम्नीकरण के उपाय हैं यदि उन्हीं को कम कर दिया जाए तो संरक्षण हो जाएगा। और संरक्षण क्यों क्यों जरूरी है? आपको पता होगा कि भूमि एक ऐसा है, मैंने कहा, जो हमारे पूर्वज करते रहे उसका उपयोग, वर्तमान पीढ़ी उपयोग कर रही है और भविष्य की पीढ़ी भी करेगी, क्योंकि भूमि एक ऐसा संसाधन, मैंने कहा, खाने से लेकर पहनने और रहने तक के सभी चीज़ें हैं, सभी रिसोर्सेज हैं, हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, वो भूमि से प्राप्त होती हैं। और उपाय क्या है? सबसे पहले हैं वन रोपण, अर्थात अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, आपका रिफॉरेस्टेशन किया जाए। नेक्स्ट है अति सिंचाई को रोकना, और उसके स्थान पर है बूंद बूंद सिंचाई का विकास करना या उसको बढ़ावा देना। अति पशुचारण पर रोक लगाना, अति पशुचारण पर रोक लगाना। नेक्स्ट है खानों को खुली न छोड़ना। जब आपका खनन कार्य बंद हो जाता है तो उसको बंद कर दिया जाए, जिससे है उसका जमाव दूसरे स्थान पर ना हो। नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च जुताई, समोच्च जुताई की जाए, कंटूर फार्मिंग की जाए, अर्थात सीढ़ीनुमा खेती की जाए वहां पर। और जुताई कैसी की जाए? मान लीजिए पहाड़ी वाला भाग है, यदि आप जुताई इस तरह से करेंगे तो आपका इरोजन क्या होगा? अधिक होगा। और यदि आपकी जुताई है हॉरिजॉन्टल करेंगे आपका, तो इरोजन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है वृक्ष मेखला, शेल्टर बेल्ट, वृक्ष मेखला जो मरुस्थलीय भूभाग है वहां पर उसके किनारे पर वृक्षों की कतार लगा देनी चाहिए, शेल्टर बेल्ट लगा देनी चाहिए, जिससे कि मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रसार ना हो सके और भूमि निम्नीकरण ना हो। ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है उद्योगों या औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला जो जल है, जो प्रदूषित है, उसको ट्रीटमेंट किया जाए, अर्थात उसका निस्तारण किया जाए, आपका निस्तारण है वो किया जाए। नेक्स्ट है औद्योगिक अवशिष्ट, उसका भी निस्तारण किया जाए, अर्थात औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला जो जल है उसको स्वच्छ जल में ना मिलने दिया जाए। और नेक्स्ट है औद्योगिक या घरेलू क्षेत्रों से निकलने वाला जो अवशिष्ट है उसका पूरी तरह से निस्तारण किया जाना चाहिए। ये था आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक, जिसके हमारे 4 पार्ट बने, पार्ट 1st, 2nd, 3rd और 4th। कैसा लगा आपको? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपके इस क्लास के सारे ही सिलेबस को है ऐसे ही कराने का, यदि आपका क्लासेज हैं रेगुलर स्टार्ट नहीं हो पाती हैं तो हम तब तक ऐसे ही क्लासे कराएंगे। धन्यवाद।